रिश्वत धाम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राजस्थान में भगवा ध्वज फहराने को लेकर ये पूरा बयान सामने आया था और कुछ युवक कर रहे थे दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश। पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर कुछ युवक कर रहे थे दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का यहाँ पर हरा से भगवा करने का आह्वान किया गया था और इसी कड़ी में बागेश्वर धाम के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। राजस्थान में भगवा ध्वज फहराने को लेकर बयान दिया गया था तो कुछ युवक कर रहे थे दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश। पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। G20 के डेलीगेट्स के दौरे के चलते दुर्ग पर ये कड़ी सुरक्षा की गई है और इसी दरमियान इस तरह की चीजें सामने आई। तो बागेश्वर धाम के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर बागेश्वर धाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजस्थान में भगवा ध्वज फहराने को लेकर बयान दिया गया था, कुछ युवक कर रहे थे दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराने की कोशिश। पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। हालांकि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। कुंभलगढ़ दुर्ग को हरा से भगवा करने का आह्वान किया गया था और ऐसे में जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, फिलहाल उन पर केस दर्ज हो चुका है। बागेश्वर धाम के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। चूंकि राजस्थान में भगवा ध्वज फहराने को लेकर बयान दिया गया था, इसका बाकायदा आह्वान किया गया था और उसी पर ये एक्शन लिया गया है। कुछ युवक यहाँ पर दुर्ग पर भगवा रन फहराने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कुंभलगढ़ दुर्ग को हरा से भगवा करने का आह्वान किया गया था और इसी पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पर बागेश्वर धाम के खिलाफ ये केस दर्ज कर लिया गया है। तो राजस्थान में भगवा ध्वज फहराने को लेकर बयान दिया गया था और उसी पर यह एक्शन लिया गया है, उसी पर यह केस दर्ज हुआ है। कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया और जिसके बाद कुंभलगढ़ में भी उसी के आधार पर कुछ जो नवयुवक हैं जाकर उन्होंने बदमाशी करी है। 5 नवयुवक वहां पर पकड़े गए कुंभलगढ़ में और 113/23 कुंभलगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है केलवाड़ा थाने में। तो हमारे यहाँ भी 62/23 मुकदमा हाथीपोल थाने में जो 153A में IPC में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने को लेकर दर्ज किया गया। और किसी को आरोपी बनाया गया? नहीं, इसमें उन्हीं को आरोपी बनाया गया। देखिए, कल भारतीय नववर्ष जो जनसभा थी यहाँ पर, उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके द्वारा उत्तेजक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले। तो राजस्थान में भगवा ध्वज फहराने को लेकर बयान दिया गया था और उसी पर कुछ युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और यहाँ पर ध्वजा फहराने की कोशिश की गई है जिस पर एक्शन लिया गया है। तो लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी लिया जाएगा। सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, केस दर्ज कर लिया गया है, अभी एक्शन क्या कुछ लिया गया, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? धीरेन्द्र शास्त्री की जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो कुंभलगढ़ है, जो मेवाड़ में एक महल है कुंभलगढ़, तो उसके ऊपर ध्वजा फहराने के लिए चले गए थे। तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल राहुल, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर अब गिरफ्तारी हो गई है? अभी तक के पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? जी, जैसे कि बताया गया था कि उदयपुर में एक बहुत बड़ी सभा थी धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने एक सभा के अंदर संबोधित करते हुए कहा था कि कुंभलगढ़ का है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है, वहां पर कुछ झंडिया लगाई हुई है। तो उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि वो झंडिया वहां से हटेगी और वहां पर भगवा रंग की झंडिया लगनी चाहिए। तो इस पर कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से ले लिया और उन्होंने जो कुंभलगढ़ दुर्ग था वहां पर छड़कर ध्वजा लहराने की कोशिश की, तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और उन्हें गिरफ्तार किया। राहुल, बिल्कुल गिरफ्तारी हो चुकी है। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, अधिकारियों के क्या बयान सामने आए?
जो धीरेन्द्र शास्त्री थे उनसे 151 के तहत में उदयपुर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया है। और ये मामला इस तरह का होता है कि आपसी रंजिश फैलाना या जातिवाद दंगे के फैलाने के मामले में उनके धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मामला दर्ज किया हुआ। ठीक राहुल, यहाँ पर मामला दर्ज हो चुका है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अधिकारियों का कहना है, जो उदयपुर एसपी है उनका कहना है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो मंच को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था वो दंगे कराने जैसा था और जो समाज में अशांति फैलाने जैसा था, तो उन्होंने 151 के अंदर उदयपुर के हाथीपोल थाने के अंदर मामला दर्ज करवा दिया गया। ठीक राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, तमाम जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़